हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में हवस में अंधे जीजा ने अपनी साली से बनाने चाहे अवैध संबंध। साली ने जीजा की बात नहीं मानी तो झल्लाए जीजा ने साली के खूबसूरत चेहरे को तबाह करने का रच डाला षड्यंत्र। वैसे जीजा ने किराए के टट्टुओं की मदद से साली पर फेंकवाया तेजाब। गनीमत ये रही कि साली इस तेजाब कांड में बाल बाल बच गई, लेकिन उसका हाथ जल गया। पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच शुरू की तो पुलिस के हाथ हैवान जीजा के गिरेबान तक पहुंच गए। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के जालौन जिले के कोंच नगर में 21 सितंबर की दोपहर दुकान पर बैठी युवती खिलौने बेच रही थी, तभी खिलौना खरीदने के बहाने एक शख्स उसके पास आया और उस पर एसिड फेंक दिया। एसिड से युवती बुरी तरह से झुलस गई। गंभीर हालत में उसे डॉक्टरों ने झांसी रेफर कर दिया। पुलिस को घटना की सूचना मिली तो कई टीमें तेजाब फेंकने वाले युवक की तलाश में लग गई। पुलिस की तत्परता और उनकी खोजबीन काम आई। एसपी जालौन ने खुलासा करते हुए बताया कि घटना में शामिल 8 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से एक वो युवक भी है जिसने एसिड फेंका था और वो भी जिसने रुपए देकर एसिड फेंकवाया था। पुलिस जांच में पता चला कि जीजा प्रेम नारायण अपनी साली पर फिदा था। वो उसके साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था, लेकिन साली जीजा की गंदी नियत जानती थी, लिहाजा वो बड़ी बहन के घर नहीं आती जाती थी। इधर जीजा प्रेम नारायण को पता चला कि उसकी साली का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। किसी दूसरे के साथ साली को हंसते बोलते देख प्रेम नारायण के तन बदन में आग लग गई। जीजा प्रेम नारायण को अपनी साली के बॉयफ्रेंड से जलन होने लगी, लिहाजा उसने साली को सबक सिखाने के लिए उसकी खूबसूरती को ही खराब कर देने का खतरनाक प्लान बनाया। प्रेम नारायण के ड्राइवर ने इस घटना में उसकी मदद की और औरैया के रहने वाले दो युवकों की प्रेम नारायण से मुलाकात कराई। मास्टरमाइंड जीजा ने शातिर अपराधियों को एक अपाचे बाइक दिलवाई, साथ ही इस काम के लिए 7 लाख रुपए दिए। जीजा प्रेम नारायण ने बताया कि उसने साली पर नजर रखने के लिए दुकान में सीसीटीवी लगवाया था, जिसे वह अपने मोबाइल में एक्सेस करता था। वारदात के दिन भी पूरी घटना जीजा ने लाइव देखी थी। एसिड अटैक जैसे संगीन वारदात का राजफाश करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। एसपी ने सर्विलांस की मदद ली और सीडीआर के सहारे जांच की। एसिड फेंकने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से कुछ जरूरी सबूत इकट्ठा किए। जालौन के अलावा औरैया, कानपुर देहात, इटावा, झांसी और एमपी के भिंड जैसे अलग अलग जिलों में दबिश देकर 45 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंच सकी और पुलिस ने मास्टरमाइंड और तेजाब फेंकने वाले दोनों को दबोच लिया। इसके साथ ही पुलिस ने अब तक 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जालौन, यू न्यूज़, यूपी।